देखिए, अगर आप किसी भी योजना का पैसा लेना चाहते हैं तो देखिए वो पैसा है वो DBT के द्वारा आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, या फिर आप जैसे मान लो कोई सब्सिडी आ रही है, जैसे मान लो आपकी गैस सिलेंडर की सब्सिडी आ रही है, तो देखिए आप कैसे पता कर पाएंगे हमारा जो अकाउंट है कौन सा अकाउंट है जो DBT से लिंक है। इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कैसे आप पता कर पाएंगे कि यानी जो DBT का पैसा है वो किस पैसा है वो हमारा किस अकाउंट में जाएगा। इसके लिए करना क्या, देखिए डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर की ये वेबसाइट है, आपको यहाँ पे आना है। यानी देश के अंदर जितनी भी DBT के द्वारा स्कीम चलाई जाती है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, और आप यहाँ से ऑनलाइन भी कर सकते हो, DBT स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन देखने को मिलेगा सिटीजन बैंक अकाउंट आधार लिंकिंग स्टेटस, तो देखिए आपको इसी पर टिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो आधार कार्ड की वेबसाइट है उसकी तरफ आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा। अब करना क्या, यहाँ पे आपको एक लॉगिन वाली बटन मिलेगी, तो आपको इसी पर टिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आपको अपना आधार नंबर फिल करना है, ये कैप्चा है यहाँ पे फिल कर देना है, और लॉगिन विद OTP कर देना है। जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा आधार से उस पर एक OTP जाएगा, वो डाल के आपको लॉगिन कर लेना। तो देखिए आप यहां पर लॉगिन होके आ चुके हैं अपने डैशबोर्ड पे। अब यहां पे एक आपको बटन मिलेगी बैंक सीडिंग अकाउंट स्टेटस, तो देखिए आपको इसी पे टिक कर देना है। आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड यहां पे आ जाएगा, यहां पे लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, यानी आपका जो आधार है वो आपकी बैंक अकाउंट से मैप हो चुका है। कौन सी बैंक अकाउंट से मैप हुआ, देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में हमारा आधार है, यहाँ पर देखिए लिंक है, और किस तारीख को हमारा देखिए लिंक हो गया था 23/8/2021 को मैंने यहाँ पर से लिंक करवा दिया था, तब से लेके अब तक देखिए हमारा यहीं पर आधार कार्ड लिंक है। और देखिए इसका मैसेज का मतलब यही है कि यहाँ पर जो देखिए आपको जानकारी दी गई है NPCI के द्वारा दी गई है, यानी कि आपको यहाँ पर जो जानकारी बताई जा रही है कि ये आपका बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक है, ये डिटेल है वो देखिए आधार कार्ड नहीं बता रहा बल्कि NPCI ही बता रहा है। यानी अगर बाई चांस से कुछ बात आती है तो देखिए इसका आधार कार्ड जिम्मेवार नहीं होगा, इसका जो भी जिम्मेवार होगा वो देखिए NPCI ही होगा। देखिए सीधी भाषा में कहें तो आधार कार्ड यानी जो UDID होता है वो कभी नहीं बताता है कि आपका आधार कार्ड इस बैंक से मैप है, जो भी जानकारी दे वो देखिए NPCI ही देता है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन सा अकाउंट है जो CI से मैप है, जिससे हमारा DBT का पैसा आ सकता है।